चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। इस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि विषकंभ और प्रीति योग भरणी नक्षत्र है। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने कार्य में सफल होता है। हर विकट स्थिति में उसको लड़ने की क्षमता पैदा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर व्यक्ति को जप तप त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप के पीछे की पूरी कहानी क्या है और माँ की पूजा कैसे करें और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। बता दें कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक देखा जाए तो देवी पार्वती ने नारद जी के सुझाव पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक जंगल में कठोर तप और साधना की थी। वो सफेद वस्त्र पहनती थी और हाथों में कमंडल और एक जप की माला भी धारण करती थी। उनके कठोर साधना की वजह से उनको माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। वो दूसरी नवदुर्गा भी कहलाती हैं। इसके अलावा माँ की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपको बता देते हैं। मुहूर्त 7:36 से शुरू होगा और 9:12 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपको स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र का उच्चारण करना है। वहीं दूसरे दिन के समय माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पूजा विधि क्या है इसके बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे कि आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। नवरात्रि पूजा में ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए। आसन पर बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, फिर उनको अक्षत, फूल, चीनी, फल, पंचामृत, धूप, दीप, नवेग आदि का चीजें चढ़ाएं। वहीं इनको अर्पित करते समय माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आरती करके आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का समापन कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।